Me Shivani Rajput, welcome you all once again to my channel A Tale of Rejection. You know guys, हम सब की लाइफ में हम सारे लोग बहुत सारे ख्वाब देखते हैं और कुछ जिम्मेदारियों की वजह से, कुछ हालातों की वजह से हम अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते हैं और उसका ऑल्टरनेटिव चूज कर लेते हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए, क्योंकि बिना कुछ करे तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर हमारे अंदर ना एक फीलिंग आती है जो कि हमें हमेशा कचोटती रहती है, तो उस वाली फीलिंग को मैंने एक्सप्रेस करने के लिए ट्राई किया है। आई थिंक आप बहुत सारे लोग इससे रिसेंबल करोगे। आई होप आपको ये पोएम पसंद आए, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो लेट्स गो। इस जहां में रोज़ दफन होती हैं, इस जहां में रोज़ हजारों ख्वाब दफन होते हैं जिम्मेदारियों के लिए, इस जहां में हजारों ख्वाब दफन होते हैं रोज जिम्मेदारियों के लिए, और बहुत सारे आसियाने रंग भरने से छूट जाते हैं हालातों के तले, और बहुत सारे आसियाने छूट जाते हैं रंग भरने से हालातों के तले। यूं तो कहना बड़ा आसान होता है कि अपने मन का तुम काम करो, जिसे तुम करना चाहते हो और जो तुम्हारा जुनून है उसे अपना काम बनाकर आगे बढ़ो। आती है रोज यही आवाज आपके अंदर, हर रोज आपको ये बताती है कि कर रहे हो जो काम नहीं हो बने तुम इस काम के लिए, कि कर रहे हो तुम ये काम नहीं बने हो तुम इस काम के लिए। अनसुना करके ये बात रोज हम बढ़ते हैं आगे अपने परिवार का पेट पालने के लिए, हर रोज कदम आगे बढ़ाते हैं उस राह पर जिस राह पर हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि हर किसी के ख्वाब हकीकत नहीं बनते इस जिंदगी में उसके लिए। आई होप गाइज आपको ये लाइन पसंद आई हो, तो अगर आप इसे रिसेंबल करते हो तो प्लीज 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 लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट में आके बताओ कि आपको ये कैसी लगी। सो टिल देन गाइस, बाय बाय, सी यू।